गहलोत सरकार की ओर से 20 फरवरी को दूसरा बजट पेश किया जाना है। बजट को लेकर भरतपुर के लोगों में नई उम्मीद लगा रखी है। जहां कुछ लोग भरतपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ पर्यटन के लिए कुछ खास होने की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जानी लोगों की प्रतिक्रिया। राजस्थान सरकार का बजट 20 फरवरी को आना है। भरतपुर संभाग मुख्यालय है। राजस्थान के बजट में भरतपुर संभाग में भरतपुर शहर को, भरतपुर जिले को क्या उम्मीद है, सरकार से क्या अपेक्षा रख रखी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का ये दूसरा बजट पेश होगा। इस बजट से भरतपुर को बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीद हैं। वो इसलिए हैं कि भरतपुर जिले के 3 मंत्री राजस्थान सरकार में हैं। पर्यटन मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, पशुपालन राज्य मंत्री भजनलाल जाटव जी, 3 मंत्री हैं। 3 मंत्री राजस्थान सरकार में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए लोगों को ज़्यादा अपेक्षा है कि भरतपुर जिले को सर्वाधिक बजट में हिस्सा मिले, बजट में हिस्सेदारी मिले। इस बात की जानकारी के लिए क्या अपेक्षाएं रखते हैं भरतपुर शहर के लोग, हमारे साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, समाज सेवा से जुड़ी महिलाएं मौजूद हैं, स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनको अपने आगामी भविष्य की चिंता है। उस भविष्य को लेकर के क्या अपनी सरकार से अपेक्षा रखते हैं, क्या योजना रखते हैं। घरेलू महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबसे जानकारी करने के लिए हम पूछते हैं कि किस तरह का ये बजट चाहते हैं और राजस्थान सरकार से क्या अपेक्षा है जिससे भरतपुर संभाग का, भरतपुर जिले का विकास हो सके। हाँ, आप अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार। मैं सत्यव्रत आगे भरतपुर जिले से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भरतपुर में संभाग होने के नाते कई कई हमारे बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं, महाविद्यालय बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन सुविधाएं इसमें काफ़ी कम है, तो उसके लिए बजट बढ़ाया जाए। साथ में हमारे जो भरतपुर शहर में जो हमारी सड़क व्यवस्था और यातायात व्यवस्था है, इसको दुरुस्त करने के लिए और बजट दिया जाए। भरतपुर शहर में जो मेडिकल कॉलेज की बात कही, मैं बताना भी चाहूँगा कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री भरतपुर जिले के रहने वाले हैं और भरतपुर शहर से ही विधायक हैं, उनके क्षेत्र का ही स्वास्थ्य विभाग के, उनसे ज़्यादा उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज और मेडिकल की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें। हमारे साथ ये मौजूद है, आप बताओ का नाम और क्या उम्मीद रखते हैं सरकार के बजट से। मेरा नाम अनंत राम आर्य है और मैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल का अध्यक्ष हूँ और आय समाज भरतपुर का भी मैं अध्यक्ष हूँ। आज कल जो बजट अपने माननीय गहलोत जी राजस्थान सरकार में जो प्रस्तुति देने वाले हैं, भरतपुर संभाग में अनेक आवश्यकता हैं जिनकी पूर्ति उसमें अवश्य होनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां जो है एक बड़ी गौशाला बननी चाहिए। भरतपुर शहर में है वैसे, लेकिन प्रॉपर काम नहीं चल रहा है। सड़कों पर जो गौएँ हैं, बिजार हैं, भैंसे हैं, अनेक प्रकार के जो जानवर घूम रहे हैं, इनको तुरंत जो है उन गौशालाओं में लेके जाना चाहिए। अनेक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं, कई मौतें हो गई हैं, कई गंभीर चोट भी लग चुकी है। एक बिल्कुल अच्छी मांग उठाई है भरतपुर शहर के लिए आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए। मैं ये बताना भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले बजट में कहा था कि राजस्थान में एक भी आवारा पशु सड़कों पर नहीं दिखेगा, ये बजट घोषणा में था। इस बार नगर निगम के चुनाव भी हुए हैं, सारे पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर इस बात को लेकर के आए कि शहर को इस आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, आवश्यक है, इसके लिए कोई विशेष इंतजाम होने चाहिए। हमारे साथ सोनू खंडेलवाल समाज सेविका मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको किस तरह की अपेक्षा है बजट में। ये महिलाएं भी हैं तो इनसे उम्मीद है कि महिलाओं के लिए क्या अपेक्षा रखती हैं बजट में। कल आने वाले बजट में महिला होने के नाते मैं तो ये उम्मीद लगाकर बैठी हूँ कि रसोई से जुड़ा हुआ सामान जो है वो सस्ता होना चाहिए। कारण है कि इससे हमारे घर का बजट सारा गड़बड़ाया हुआ है, जैसे मिर्च मसाले, दाल, गैस सिलेंडर आदि। और मैं तो एक ये भी चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए रोजगार के लिए कोई प्रबंध होना चाहिए जिससे उनको एक स्वावलंबी बनने का मौका मिले और वे किसी के आगे ना झुके। मेरा तो यही कहना है महिला होने के नाते। इन्होंने महिलाओं ने कहा है कि महिला की जो घर की जो गृहस्थी का सामान है उस पर कुछ कम रेट हों, बिजली की दरें बढ़ाई हैं, उसकी ओर सरकार ध्यान दे और महिला और घर के बजट की जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर टैक्सेस कम करें जिससे इनको लाभ मिल सके। आप बताएं क्या उम्मीद करते हैं सरकार के बजट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतना मुद्गल है और मैं एक गृहिणी हूँ। मैं ये चाहती हूँ इस बार बजट में कुछ ऐसा स्टेप सरकार हमारे लिए उठाएं। हमेशा ही देखा गया है कि बजट में कि मिडिल क्लास हमेशा ही अभिलित रही है, तो मैं ये चाहती हूँ मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसा स्टेप सरकार उठाए कि जिसका सीधा सीधा है ना मिडिल क्लास को फायदा मिले, क्योंकि हमेशा जो भी
मतलब फायदा आता है सरकार की तरफ से, वो ज्यादातर एसटीएससी या बीपीएल वालों के लिए होता है, वो फायदा मिडिल क्लास से वंचित है बिल्कुल। तो मैं इस बार ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो बजट वो निकालते हैं उसमें मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बजट निकालें।